प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी आने वाले हैं, लेकिन आज जिस रिंग रोड और फोर लेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है उसकी हम रात की चकाचौंध आपको दिखाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही बनारस है जो 4 साल पहले धूल, खराब सड़कों और तमाम दिक्कतों से जूझ रहा था, लेकिन आज ये वो फोर लेन है जिसका कल प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है। 862 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई ये फोर लेन अपने आप में एक अलग एहसास करा रही है, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ये वही बनारस है जो 4 साल पहले हुआ करता था। आप हमारे पीछे फव्वारे देख सकते हैं, शानदार रिंग रोड और फोर लेन पर इस तरह की जो अद्भुत सुंदरता देखने को मिल रही है उसे देखने के लिए लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। लोग हैं यहाँ, हम उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश मिश्रा पड़ेगा। आकाश, ये कौन सी जगह है, कहाँ पे आप मौजूद हैं, कैसा लग रहा है? ये अभी लग रहा है कि हम लोग किसी इंग्लैंड या क्यूटो से कम जगह नहीं लग रही है हमको ये, क्योंकि मैं यहाँ इतने दिन बाद आया, खुद में परिवर्तन में बदल गया कि कैसे इतना परिवर्तन हो गया यहाँ। आप लोग जैसे बाकी लोग कहते हैं कि बनारस नहीं बदला, बनारस में कोई काम नहीं हुआ, क्या लग रहा है बनारस में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अगर बदला नहीं होता तो ऐसा नजारा ना होता। आप खुद ही देख रहे होंगे, विकास देखने को मिला है, यहाँ पे देखने को मिला है, नई रोडें बन गई हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए आप देख सकते हैं। बोलने के नहीं, करने का, मैं खुद यहाँ पे से नहीं आया, मैं बनारस से यहाँ आया हूँ देखने के लिए। देखने के लिए आए हैं हम लोग। निश्चित जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हम देखने सिर्फ आए हैं कि फोर लेन और रिंग रोड की खूबसूरती रात के वक्त क्या है। और आप देख भी सकते हैं जिस तरह से ये रिंग रोड और फोर लेन रात के वक्त जगमग है, वो ये एहसास करा रही है कि किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन वाराणसी में लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि उनके सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। गोपाल मिश्र, ईटीवी वाराणसी।